आमिर खान भाई इनका नाम तो आमिर खान है। ये गोली बाहर आई है। ओ भाई गर्म हो गई है काफी। अगर आपकी शादी हो जाती है आदमियों में तो उनका कान काट देते हैं, तो इससे मालूम पड़ेगा कि आदमी मैरिड है। कि जिसका घर है वो तीन शादी की है, ये पहली वाइफ का घर है, दूसरी वाइफ का घर और ये जो तीसरी वाइफ का घर है। वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन गेट लॉट ऑफ गर्ल्स। तो स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वक्त हम हैं तुरमी टाउन में और आज हम जाने वाले हैं भाई एक ऐसी ट्राइब में जो कि लगभग ख़त्म होने वाली है, जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है इस सदर्न इथियोपिया में। तकरीबन यहाँ 60 से 80 ट्राइब है। और हाउ फार इट इज़ फ्रॉम हियर? फ्रॉम हियर इज 60 किलोमीटर। ओके, दकारो ट्राइब इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन नंबर। सो द ट्राइब वेल सेट अप बाय पेंटिंग पेस एंड पेंटिंग बॉडी। सो दे आर नियर टू द बैंक ऑफ बोमा रिवर। ओके, तो कारो ट्राइब से आप जैसे कि आप लोगों ने सुना बहुत कम पॉपुलेशन है, सबसे स्मॉलेस्ट है वो। और यहाँ जो जगह पे रहते हैं वो भाई बहुत खूबसूरत है, ओमो रिवर के आसपास में रहते हैं और वो फेस पेंटिंग के लिए काफ़ी मशहूर है। और हमारी गाड़ी इस तरफ खड़ी हुई है तो निकलते हैं भाई, सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो भाई हमको कारो ट्राइब के लिए निकले हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया और लगभग आधे घंटे में हम 36 किलोमीटर कवर कर लिए, क्योंकि भाई जो रोड की हालत थी ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और उसके बाद वहाँ एक साइन बोर्ड बनी थी कि भाई अगर आपको अब कारो ट्राइब की तरफ जाना है तो आपको राइट लेना है और तकरीबन 24 किलोमीटर दूर है और इस ऐसी ही कच्ची सड़क पे आपको जाना है। और यहाँ का नज़ारे देखिए भाई, एकदम ड्राई सा है, ये सिर्फ काटने वाले बड़े बड़े पेड़ हैं। और ये देखिए भाई, जहाँ तक दूर दूर तक आपकी नज़र जाए सिर्फ ऐसे ही पेड़ है, क्योंकि यहाँ भाई बारिश का बहुत सीन होता है कि बारिश होती नहीं है। और रास्ते में आप लोगों को बताऊँ, बंदूक ले लेके लोग दिख रहे थे भाई, ट्राइब वाले जो लोग थे बंदूक लेके घूम रहे थे भाई, इतने सारे लिटरली हर लोग के पास बंदूक थी। तो देखते हैं भाई कारो ट्राइब का ऐसा एक्सपीरियंस कैसा होता है और हम भी देखेंगे भाई गन वगैरह कैसे वो करते हैं, क्यों रखते हैं, सारी चीज़ हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे कैसा क्या है। और अगर मौका मिले तो हम चला भी लेंगे भाई, यहाँ शायद वो लीगल है, चलता है, कुछ मसला नहीं है, तो बोलेंगे भाई थोड़ा पैसा ले लो, एक चलाने दो। तो भाई हम ये कच्ची सड़क पे चल ही रहे थे और यहाँ एक अजीब सी चीज़ बार बार हर जगह देखने मिल जा रही है भाई। ये देखिए, ये भाई ये टर्माइट के जो दीमक होते हैं, देखिए उसके इतने सारे घर हैं यहाँ पर, इधर है। ये देखिए, वो देखिए, वो है, बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े हैं भाई। आपको मतलब तकरीबन मेरे हिसाब से कुछ 20 फीट 25 फीट का तो हो गई। ये देखिए। और भाई ये जो जगह है भाई काफ़ी सूखी पड़ी हुई है भाई, देखिए ना एकदम सूखी सी है यार। और देखिए दीमक का घर वहाँ पर भी, ये देखिए ये भी है भाई, इतना सारा है मैं आपको क्या बताऊँ। चलो हम तो हमारा सफ़र कंटिन्यू रखेंगे भाई, चलते हैं हम अंदर। थैंक यू ब्रदर। तो भाई बहुत ही मेहनत की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए हैं कारो विलेज और आते साथ ही पूरे लोग घेर लिए भाई, बच्चे वगैरह सारे घेर लिए हैं। और आज के हमारे गाइड होने वाले हैं सलामुन विल बी आवर गाइड टुडे। तो भाई चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या का। देखिए सारा कुछ विलेज और पीछे लोग भी आप देख सकते हो। गन सलाम भाई, गन वाले से कभी भी दोस्ती करना चाहिए भाई, दुश्मनी इससे नहीं करना चाहिए। और ये इनकी सीट है जो रखे हैं भाई। कारो ट्राइब के बारे में ये आता है कि भाई ये इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, क्योंकि भाई ये पास की जो ट्राइब है उनसे बहुत लड़ाई करते हैं, तो लड़ाई कर करके भाई बहुत कम बचे हैं अभी, इसलिए गन तो हरदम रखते हैं भाई ये। ओके, तो भाई कारो विलेज की स्पेशलिटी ये है कि भाई जो ये फेस पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, पूरी अपनी बर्डन पे पेंटिंग करते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, जो लड़कियां होती है वो सिर्फ फेस पे पेंट करते हैं और जो आदमी होते हैं वो पूरी की पूरी बॉडी पेंट करते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और मिलाता भी उन लोगों से। तो देखिए भाई कारो ट्राइब के लड़कियाँ, तो अगर भाई शादी नहीं हुई रहती तो ये भाई नॉर्मल कपड़ा पहनते हैं, अगर शादी हो जाती है तो गोट स्किन का पहनते हैं। तो भाई देखिए आदमी जो होते हैं वो पूरा पेंट लगाते हैं बदन पे, औरतें सिर्फ मुंह पे लगाती है, आदमी पूरा। ओके, तो ये भाई उनके बैठने की जो वो होते हैं, दिस इज फॉर सिटिंग एंड फॉर थ्रू लेग इज फॉर द यंग बॉयज। ओके, एंड देन व्हेन दे गो थ्रू द एल्डर्स दिस वन। ओके, तो भाई ये मैं पहली बार देखा हूं, मैं यूजुअली देखा था नॉर्मल दो साइड वाला था, तो ये जवान लड़के लोग के लिए रहता है और ये एल्डर लोग के लिए है। और ये न्यांगतम ट्राइब का है, तो भाई इनकी दुश्मनी भी उनसे, ये भाई एक दूसरे को मारते भी हैं, कारो ट्राइब और न्यांगतम ट्राइब। देखिए भाई फ्रॉम न्यांगतम ट्राइब। ओके, भाई बड़े खतरनाक हैं।
सी द देखिए भाई, ऐसी पूरा फेस पेंट करते हैं, पूरी बॉडी पेंट करते हैं, देखिए पूरा पैर से लेके ऊपर तक पूरा पेंट किए हैं। सो दे पेंट फ्रॉम टो टू, ओके, तो पूरा पैर से लेके ऊपर तक पेंट करते हैं। देखिए भाई, चाचा बहुत खतरनाक नजर से देख रहे हैं मुझे। तो भाई दिख तो खतरनाक रहे थे, लेकिन जब बात की आप देखे कितनी फ्रेंडली, कितनी अच्छे हैं। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन गेट लॉट ऑफ गर्ल्स। तो भाई ये है चारों ट्राइब की फीमेल, और तो ये यूजुअली जो देख रहे हो आप, ये बुल जंपिंग के टाइम पे पहनते हैं, बट माता जी पहन के आ गए। शी इज ऑल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो भाई जो कारो ट्राइब है, ये ज़्यादा कैटल में डील नहीं करते, ये ज़्यादा फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। तो यहीं पे पास पे आप ओमो रिवर है, तो यूजुअली आदमियों का काम क्या होता है, वो जंगल में जाते हैं, वहाँ से लकड़ियाँ काट के वगैरह और पानी भर के लाना, वो सब काम आदमी करते हैं, और जो औरतें रहती हैं खाना बनाना, बच्चों को देखभाल और घर देखना, ये सब सारा काम रहता है। ओमो रिवर यहीं पास में भाई बहुत खूबसूरत है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले आप थोड़ा सा गाँव एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे आगे। व्हाट इज दिस ब्रदर, दिस स्मॉल वन, दिस स्टोरेज डोल, पुट इट व्हेन दे टेक अ न्यू हार्वेस्ट। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को बताया भाई, ये ज़्यादा डिपेंड रहते हैं फार्मिंग पे, और ये ज़्यादा गोश्त वगैरह और कैटल वगैरह पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते हैं। तो ये जो देख रहे हो, ये स्टोरेज हाउसेस है, मतलब इसके अंदर जो अगर फसल अच्छी होती है तो इसके अंदर डाल के वो स्टोर करते हैं, स्टोरेज हाउस है। This is storage houses. Yeah. Okay. It's from the husband. When this food for family 1 year. Okay. तो भाई ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो स्टोरेज हाउस देख रहे हो आप, ये एक एक फैमिली का एक रहता है, तो इसके अंदर अगर पूरा वो अनाज भर लिए तो पूरा साल भर चल जाता है वो। तो भाई जैसे कि आपने बना और हमर में देखा था, वो लोग बड़ा बड़ा बाल रखते हैं और उस पर बटर लगा के लाल लाल लगाते हैं, बट ये ट्राइब का थोड़ा सा अलग सिस्टम है, यहाँ कोई ज़्यादा बड़े बाल रखे नहीं है, ये छोटे छोटे बाल पे क्या करते हैं, वो बटर लगा के उस पर पत्थर चिपका देते हैं। तो हर ट्राइब का भाई काफ़ी अलग अलग सिस्टम है, काफ़ी यूनिक है, आप देख सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा मुझे। ये ट्राइब भी पॉलीगेमी है, मतलब कितनी भी शादी कर सकते हैं। सो फॉर वन मैरिड हाउ मच दे हैव टू गिव, 127 गोट टू हर फैमिली, टू द गर्ल्स फैमिली। तो भाई यहाँ पे अलग सिस्टम है हर ट्राइब का ना भाई, जैसे आपको मुर्शी में बताया था वहाँ 30-35 गाय देना पड़ता था, बट यहाँ पे कैसा है कि ये ज़्यादा गाय वाय में डील नहीं करते, छोटे जानवर अगर बकरा भेड़ भी इनके पास रहता है, और फार्मिंग और बकरा भेड़ पे वो रहते हैं। तो भाई एक शादी करने के लिए तकरीबन 127 आपको बकरी देना पड़ता है, बकरी या फिर बकरा देना पड़ता है, 127 गोट्स। ओके, एंड देन यू विल गिव देम अ सरप्राइज फॉर देम। ओके, फॉर एग्जांपल दिस फैमिली इज थ्री वाइफ। ओके, दिस इज फॉर फर्स्ट सेकंड फॉर सर। ओके, तो भाई ये जो आप बाउंड्री इधर देख रहे हो ना, ये घर की, ये एक आदमी का है, और ये जिसका घर है वो तीन शादी की है, और ये पहली वाइफ का घर है, ये है उसकी दूसरी वाइफ का घर, और ये जो देख रहे हो आप उसकी तीसरी वाइफ का घर है। तो भाई ये आदमी मुझे लग रहा है थोड़ा पैसे वाला है, क्योंकि तीन बीवी है। सो वेयर इज द, वेयर इज ही हु मैरिड थ्री वाइफ, ही इज नाउ इन द फार्म। ओके, तो भाई जो आदमी जो तीन शादी की है वो अभी, ओके थ्री, वो तो भाई बोल रहे हैं कि जो आदमी शादी किया है तीन, वो अभी काम करने के लिए जंगल में गया हुआ है, और उनकी तीनों बीवियां वहां बैठी हुई है। सो दे हैव, दे डोंट माइंड, लाइक दे कैन मैरी थ्री वाइफ, हां दे डोंट हैव एनी इशू। The family agreement. Okay. First you can choose the girls, uh-huh, and then you negotiate with their family. Uh-huh. If they okay, you can marry them. ओके, तो कैसा रहता है भाई, यहाँ फैमिली डिसाइड कर लेते तो ज़्यादा कुछ वो नहीं रहता है, आपको करना ही पड़ता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, तीनों वाइफ एक साथ बैठी हुई है भाई, आदमी ये अपना आराम से काम करने। सो कैन यू विजिट द हाउस? ऑफ कोर्स। तो भाई why it is different, like first wife house is different, second wife house is different, like the first one is like this and second one is like that? No, normally same. Okay, but this is different, new style. Okay, this is new style. ये भाई जो ये घर देख रहे हो, ये न्यू स्टाइल का। मैंने इनको पूछा कि भाई ये हड जैसा है और ये दूसरी बीवी का ऐसा पतरा क्यों है, दूसरी बीवी से ज्यादा मोहब्बत करते थे क्या? तो बोले कि भाई ये नई स्टाइल का है और इसमें पथरा लगा हुआ है भाई, यूजुअली ये हट बनाते हैं। सो कैन वी विजिट एनी हाउस? ओके, एंड देन वन मैन इज व्हेन ही डू बुल जंपिंग, ही मैरिड, यू सी माय हेयर,
यू आर मैरिड. ओके. तो भाई ये चीज काफी अलग मुझे बताया अभी भाई कि अगर आपकी शादी हो जाती है आदमियों में तो उनका कान काट देते हैं. शादी हुई मतलब कान काट दिए, तो इससे मालूम पड़ेगा कि आदमी मैरिड है. सो इफ दे मैरिड 2-3 सो दे कट ओनली वन टाइम. अच्छा तो भाई इस शादी कितनी भी करो पहली बार आपके कान काट देंगे. पहली शादी हुई जैसी वैसी आपके कान कटे हैं मतलब. ओके इट्स वेरी यूनिक. यू लुक मी आउट. नहीं मैं यहां भाई यू लुक मी आउट. भाई घेर लिए मुझे. यू वांट टू पेंट माय फेस लेटर 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 आई लेट यू पेंट. भाई घेर लिए कि फेस पेंट करने बोले जैसे मैं मुर्सी में करवाया था. लेटर लेटर ब्रदर टेल देम आई विल पेंट माय फेस लेटर. बाला नकसल. देखिए भाई भाई के पास भी गन है. देखिए यहाँ हर लोग के पास गन रहती है भाई. एवरीबॉडी हैज गन हियर. एवरीबॉडी हैज गन फॉर द सेफ्टी फॉर फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. तो भाई काफ़ी अलग सिस्टम है भाई. मैं सिर्फ यही ट्राइब में गन्स बहुत ज़्यादा देखा हूँ. हर लोग के पास बंदूक है हर लोग के पास, क्योंकि भाई ये रहते हैं ओमो रिवर के पास में और यहाँ बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि वो ओमो रिवर पे पानी पीने बहुत सारे जानवर आते हैं और ये यूजुअली वहीं आसपास काम करते हैं, तो इसलिए उनको गन कैरी करना पड़ता है. सो वी विल विजिट दिस हाउस. तो चलिए भाई मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कारो ट्राइब का घर, वो रहते कैसे खाते कैसे और अंदर जैसे भी जो सिस्टम है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. ओके तो भाई बोले सर संभाल के जाना. भाई ये बाकी ट्राइब से भाई घर द हाउस इज रियली बिग. भाई ये बाकी ट्राइब के घर में गया, मैं मूर्ति के घर में गया और बन्ना और हमर के घर में गया, लेकिन सबसे बड़ा घर भाई इनका लग रहा है. इनके घर में भाई चटाई भी है, तो थोड़े से एडवांस लग रहे हैं मुझे. इनके घर में आप देख सकते हो यहाँ स्टोरेज रूम भी बनाया गया है और टू पुट सम स्टफ हियर. हां तो भाई जो साइज में आप लोगों को बता दूं भाई काफी बड़ी साइज है भाई, काफी अच्छी बड़ी है. एंड वेयर दे कुक हियर ड्राई सीजन आउटसाइड दे आर ओके शेयर. तो भाई आप ये जो देख रहे हो यहाँ खाने बनाने वाला जो खाना बनाने वाला है वो अभी इसमें कुछ कोयला वगैरह इसलिए नहीं है क्योंकि भाई ये क्या करते हैं जो अगर ड्राई सीजन रहता है तो भारी खाना बनाते हैं और अगर बारिश वगैरह हो रही है तो फिर अंदर खाना बनाते हैं. यूजुअली अंदर खाना नहीं बनाते क्योंकि धुआं धुआं हो जाता है, बाहरी प्रीफर करते हैं. बारिश हुई तो ही अंदर बनाते हैं. ओके तो भाई देखिए वहाँ पे दिखा रहे हैं जो सोरगम से लोग बियर बनाते हैं. देखिए ये बियर तो ये सोरगम जो जवार होता है ये उससे बियर बनाए. यूजुअली ये यहाँ के सारे ट्राइब ये पीते हैं लोकल बियर. ओके तो ये अभी जो बियर देख रहे हो अब ये थोड़ा सा गाढ़ा है, देखिए पी रहे हैं भाई. तो ये बोल रहे तो भाई ये जो बियर है अभी थोड़ा सा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे फिर उसके बाद पीना स्टार्ट करेंगे ये. और ये ऐसे खाना भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सोरगम और बहुत सारा मतलब बहुत सारे खाने की चीज़ रहते हैं, तो ऐसे फूड भी यूज़ करते हैं ये. सो इन दिस ऑल्सो इट्स तो भाई इसमें भी पूरा बियर भरा हुआ है, उसमें भी बियर भरा हुआ है. इनके पास काऊ तो है नहीं लेकिन ये काऊ स्किन का ये बना के रखे है भाई इस पे सोने के लिए. यूजुअली हर ट्राइब के पास ना भाई ऐसी चीज़ें रहती ही रहती है, तो इस पे सोते हैं भाई. काफ़ी कड़क हो जाता है, देखिए भाई आवाज़ सुन सकते हो. तो यार काफ़ी सही सिस्टम है, जगह भी बहुत ज़्यादा है, आराम से 10-12 लोग सो सकते हैं इजीली. तो ऐसा कुछ घर रहता है भाई उनका, वो जिंदगी उनकी चिल्ड्रन. ओके तो भाई बता रहे यूजुअली कैसा होता है जो बच्चे होते हैं वो पीछे के साइड सोते हैं क्योंकि भाई वो थोड़ा उनको कम खतरा रहे, और जो आदमी होते हैं वो स्टार्टिंग में आगे सोते हैं. तो भाई ये था कुछ घर का सिस्टम, मतलब आगे बड़े सोते हैं फिर पीछे बच्चे सोते हैं. और यूजुअली हर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि भाई इतना बड़ा होगा, लेकिन जब अंदर घुसो ना भाई तो उसमें बहुत सारी बहुत ज़्यादा जगह रहती है. और ये स्टोरेज हाउस देख सकते हो आप, यहाँ एक और हमारे कारो ट्राइब के आदमी. ब्यूटीफुल मैन इस टाइप का कैसा रहता है कि भाई वो खूबसूरती डिपेंड करती है कि भाई आप वो कैसे डिज़ाइन बनाए हैं अपने ऊपर, कितना पेंट किए हैं, कैसे स्टाइल में पेंट किए हैं. और जो उनका पेंट होता है वो यूजुअली नेचर से वो रहता है, नेचर से इंस्पायर होकर पेंट करते हैं, जैसे बर्ड में रहता है फिर ऐसे हाथ बना के वो डिज़ाइन बना. पहले क्या करते हैं पूरा वाइट पेंट अपने पर लगा लेते हैं फिर उसके अपने हाथ से डिज़ाइन बनाते हैं, तो काफ़ी अलग अलग टाइप की डिज़ाइन देखने मिलेगी. तो पीछे लोग घूम रहे हैं कि भाई फेस पेंट करवा लो, हम करवाएंगे थोड़े आगे. ब्रदर व्हाट इज दिस अच्छा. तो भाई ये देखिए यहाँ एक नया घर बन रहा है, तो देखिए फाउंडेशन रख दिए, जैसे हम रखते हैं ना भाई उसकी चैनल लगाते हैं लोखंड का,
यहाँ ये लकड़ा लगा के पूरा वो इसकी फाउंडेशन बना दी है। ओके तो भाई आप क्या करेंगे, इसके ऊपर रूफ बनाएंगे, फाउंडेशन हो गई, आप इसके ऊपर पूरा वो जैसा होता है ना भूसा वगैरह डाल के इस पे छत बना देंगे, तो किसी का घर बन रहे। हाँ देखिए भाई दरवाजा, दरवाजा इतना ही छोटा होता है भाई। तो भाई ये देखिए, ये ट्राइब के पास ना भाई ज्यादा कुछ भेड़ बकरी रहती है और कुछ गाय वगैरह इतना नहीं रहता है यहाँ पर। और चलते हैं अब ओमो रिवर की तरफ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, बहुत ही अच्छा बहुत ही अमेजिंग व्यू है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो भाई अब आप आ गए ओमो रिवर के पास में, और जो सारी ट्राइब्स है तकरीबन 60 से 80 ट्राइब है ओमो वैली में, तो ओमो वैली का जो नाम पड़ा है वो ओमो रिवर पे पड़ा, क्योंकि भाई ये इनकी लाइफ लाइन है, क्योंकि भाई पानी वगैरह सारा इधर ही से जाता है। और भाई क्या ही खूबसूरत व्यू है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। देखिए भाई ये व्यू पॉइंट ही बना के रखे, यहाँ से बैठ के आराम से व्यू एंजॉय करिए। और चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना फर्टाइल लैंड है, इसके वजह से भाई ये रिवर की वजह से आप देख सकते हो वहाँ पे खेती वगैरह भी हुई है। और यहाँ पर भी एक व्यू पॉइंट है, देखिए भाई भाई बैठ के मुझे कब से बुला रहे हैं। देखिए और जो यहाँ के आदमी होते हैं कारो ट्राइब के, वो उस तरफ आप जंगल देख रहे हो, वहाँ जाके लकड़ी काट के वगैरह जो घर वगैरह बनाए हैं वो उस तरफ जंगल से जाते हैं, नदी पार करके वहाँ से लकड़ी काट के लाते हैं, और पानी वगैरह जो भी होता है वो सारा ये ओमो रिवर का ही यूज़ करते हैं ये। तो भाई फिर से आ गए लोग कलर वो पेंट करने वाले, फिर मैं यहाँ बैठ के थोड़ा फेस पेंट भी करवाऊंगा। और भाई को देखिए यार स्मार्ट देख रहे हैं एकदम, भाई पूरा बदन के ऊपर से नीचे तक कलर लगा के रखे हैं। और यही पीछे देखिए सामने ट्राइब है, ये नदी है और सामने पूरा देखिए गाँव, देखिए पूरा गाँव है। तो मतलब भाई एकदम 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 नदी के सामने ही रहते हैं ये ट्राइब, भाई बहुत ही खूबसूरत। अगर आप कभी ये तरफ आओ तो कारो टाइप को जरूर विजिट करना, क्योंकि भाई इनके जो लोकेशन है ना बहुत ही अच्छा है, इधर ओमो रिवर है और इस तरफ डायरेक्ट गांव है, तो यार काफी अच्छा है। अनस तो बोल रहे हैं भाई कि मेरा जो बच्चा होगा उसका नाम भी अनस रख लूंगी। भाई खीला लगा ना ये खीला डेकोरेशन के लिए भाई यहाँ पर खीला लगा के रखे हैं, मतलब लिटरली खीला है और कुछ भी नहीं है, खीला ही लगा के रखे हैं। तो भाई फेस पेंट मैं इनसे करवाऊंगा अभी। तो भाई वो हमारे जो गाइड थे वो गए एक गनमैन से बात करने की, भाई एक बंदूक गोली चलाने दो। तो वो आए थे बोले थे भाई 600 मांग रहे, तो मतलब 600 तो बहुत महंगा है, 250-300 लेंगे तो एक गोली फायर कर लेके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। पहले भाई गोली चला लेंगे फिर उसके बाद फेस पेंट करवाऊंगा। भाई देख रहे हो गैंग लेके आ रहा हूँ मैं, पूरी गैंग लेके आ रहा हूँ, हाथ में गन भी है, तो हम वहाँ फायर करेंगे एक और उसमें। और यहाँ पर भाई ये कम्प्लीटली इलीगल है और एक गवर्नमेंट से अप्रूव होती है कि ये चला सकते हैं। देख रहे हो ना भाई मेरी गैंग, पूरा पीछे गैंग है भाई। बंदूक का मुंह वहां घुमा लिया दोस्तों, भाई पूरा हिल गया कान वगैरह भाई। तो भाई ये देखो ये गोली बाहर आई है, ओ भाई गर्म हो गई है काफी। देखिए भाई ये
तो भाई यहाँ नदी के किनारे बैठ के हम थोड़ा सा मैं थोड़ा सा फेस पेंट करवा लेता हूँ। पेंट हो रहा है मेरा फेस और सारे बच्चे घेरे हुए हैं यहाँ पर। अरे देखिए ऑलमोस्ट हो ही गया है, लगभग थोड़ा सा बाकी है। ओमो रिवर के साइड में बैठ के हम फेस पेंट करवा रहे हैं। भाई हो गया है मेरा फेस पेंट और इन मोहतरमा ने किया है मेरा फेस पेंट ओमो रिवर के साइड में बैठ के। बताना भाई कमेंट करके कैसा लग रहा है, क्योंकि भाई जब जब भी कोई ट्राइब को विजिट करो तो यार उनका जो कल्चर होता है उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये बना लिया हूँ और कमेंट करके बताना भाई कैसा लग रहा है। तो चलते हैं, अब वहाँ बूढ़े लोग भी बैठे हैं, कब से बुला रहे हैं। और ये सारे लोग, ये हमारे गाइड को देखिए भाई, डेंजर मैन, सारे लोग यहाँ पर जमा है। क्योंकि भाई यहाँ टूरिस्ट वगैरह तो भाई ना के बराबर कोई नहीं आता है। मुश्किल से मुश्किल हफ्ते 10 दिन में एक टूरिस्ट मिल गए। तो यार पूरा गांव का एंटरटेनमेंट मैं हूँ भाई। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पर और वहाँ पर सारे बूढ़े लोग बैठे हैं, वहाँ पर भी चलेंगे। यहाँ बच्चे वगैरह सब बैठे हैं। तो यहाँ कुछ पेड़ के नीचे ना बूढ़े लोग बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई मेरे पास आओ, ब्लेसिंग देना है। हम बहुत खुश हुए कि आप हमारे गांव में आए। तो लोग काफ़ी अच्छे हैं भाई। तो भाई के इनके अंकल के सर पे देखिए कि वो कितना वैसा लग रहा है। तो भाई ब्लेसिंग तो नहीं दे रहे, सिर्फ हाथ वगैरह ही मिला रहे हैं। नेम, व्हाट इज योर नेम? अनस खान। तो भाई इनका नाम तो आमिर खान है। ब्रदर आमिर खान, आमिर खान भाई, मैं तुम कम्प्लीटली शॉक हो गया। इनका नाम आमिर खान, वेरी नाइस नेम। अनस खान आमिर खान, अनस खान भाई, खान यहाँ भी ट्राइब में पहुंच गए भाई। अनस खान नेम तो भाई यहाँ पर होने वाली डांसिंग सेरेमनी सिर्फ मेरे लिए स्पेशल, क्योंकि भाई मैं गेस्ट आया हूँ और कोई गेस्ट ज्यादा आते नहीं है। तो भाई बोले डांसिंग सेरेमनी दिखाएंगे आप लोगों को। मुझे तो डांस करने आता नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू डांस। भाई थक गया लिटरली भाई, बहुत गर्मी है भाई। अभी टेम्परेचर ये तुरमी के आसपास इधर का जो एरिया है यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, तकरीबन अभी 40 डिग्री हो रहा है। हालत ख़राब हो गई और भाई पूरी इतनी कड़क धूप है, लेकिन भाई मज़ा आई, आप लोगों को भी देखे रहेंगे, बहुत मज़ा आई। लेकिन भाई वीडियो बनाने बहुत मेहनत लग रही है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मेहनत लग रही है। तो भाई लकीली यहाँ पे एक फेंटा मिल गया था, तो फेंटा पिया है बैठ के और पूरे गांव को पिलाए, पूरा गांव ये बैठा है आगे साथ में, क्योंकि भाई थोड़े लोग गए काम करने और इनका ड्यूटी का टाइम अभी नहीं है, तो सब बैठ के साथ में टाइम पास कर रहे हैं। और भाई मैं बैठा था तो साथ में भाई जो भाई थे वो बैठे बैठे टर्किश बोलने लगे अचानक, तो टर्किश तमाम। तो भाई ये टर्किश बोल रहे थे भाई, तीन चार लोग, बोला भाई टर्किश कैसे बोलते हैं? तो बोले यहाँ भाई कुछ टर्की का प्रोजेक्ट चल रहा था वहाँ पर,
तो बहुत लोग आते आते थे, मिलते थे, तो उनको टर्किश भी आती थोड़ी थोड़ी, तमाम उमाम बोल रहे थे, और भाई काफी ठीक था टाइम जा रहे थे। योग बुरदा रुक देख रहे हो भाई, टर्किश सुन रहे हो, ऑलमोस्ट सारे लोग को ना भाई थोड़ा तमाम बुरदा योग ये सब थोड़ा सा बोल ही रहे थे। तो यार बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ इनके साथ में, और मतलब और ये बता रहे थे भाई, ये अपने भारी गाइड भाई बैठ के यहाँ दारू पी रहे हैं अभी, तो ये बता रहे थे कि भाई, मैं पूछा कि भाई ये जो गन रखते हैं इससे कुछ कभी झगड़ा वगैरह होता है कि नहीं, किसी को मारते वरते हैं कि नहीं, तो बोले भाई एक ट्राइब है यहाँ पे, तो बाकी बन्ना ट्राइब हमर ट्राइब से कुछ मैटर नहीं है इनका, ये आसपास साथ में रहते हैं, और ये कारो ट्राइब वाले बन्ना ट्राइब हमर ट्राइब से शादी कर सकते हैं, बट यहाँ की जो ट्राइब है नियोंगतम कुछ ऐसे नाम है ट्राइब का, उनसे इनका बहुत झगड़ा है भाई, गोली वोली भी चलाते हैं लोग एक दूसरे पे, एक दूसरे को मार डालते हैं भाई, तो यार ये थोड़ा सा खतरनाक वाला सिस्टम है। तो मैं पूछा इनसे गन क्यों रखते हैं भाई, कभी चलाया हो कि नहीं गन, तो बोले भाई एक ट्राइब है जिनसे इनसे इनकी बहुत बनती नहीं है, तो कभी उनसे झगड़ा होता है, कभी इनकी कैटल ले ली तो झगड़ा वगैरह होता है, तो ऐसे थोड़ा बैठे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा आराम करते हैं छाव में, फिर निकलते हैं।